Hey everyone, so good morning to all of you. Welcome to Logic Pathshala. My name is Himani Chauhan और आज सीखिए हम लोग क्या कवर अप करेंगे इस वीडियो में, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष. तो जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कमिटीज़ बनी थी, जो समितियां बनी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके हेड कौन थे, यहाँ पर हम उन सभी को कवर अप करेंगे. वो भी किस टेक्निक से, मेमोरी ट्रिक से, बिल्कुल. क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखिए एक टॉपिक है जो कि आपका पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से. सो जो जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ होंगी, जो समितियाँ होंगी, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. और इसके अलावा आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग भारत की जो प्रमुख समितियाँ हैं या फिर आप कह लीजिए जो इंडिया के प्रमुख जो कमिटीज़ और कमीशन्स हैं, वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे. ये वाली आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं सारी, कि जब हमारा संविधान हमारे जो संविधान बन रहा था तो सब संविधान सभा बनी थी, उसकी कौन कौन सी प्रमुख उस टाइम समितियां बनाई गई थी. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं. और इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा. सबसे पहले देखिए कौन सी है प्रांतीय या फिर सलाहकार समिति और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे. आप कह लीजिए इसके हेड आप कुछ भी बोल सकते हैं. कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब याद कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान तरीका है. यहाँ पर आपको दिखेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे ऑलवेज हम भाई रिलेट करेंगे. सो देखिए जो हमारे भाई हैं, जो हमारे ब्रदर होते हैं ना, वो हमें ऑलवेज एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं. ठीक है, सलाह देते हैं, हमें एडवाइस करते हैं कि जो भ्रांतियां हैं, प्रांतीय से भ्रांति बना देंगे, कि जो भ्रांतियां हैं उनसे दूर रहो. इस तरह की जो सलाह है वो हमारे भाई हमें देते हैं. सो आ गया ना प्रांतीय और सलाहकार समिति. इंग्लिश में भी देखो प्रोविंशियल या फिर एडवाइजरी कमेटी. और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इस कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष. ओके, आई होप सो ये वाला आपको याद हो गया होगा. नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. प्रारूप समिति. प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को. इंग्लिश में से बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी. याद देखो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं. देखो प्रारूप में आ रहा है रूप, ठीक है, और भीमराव अंबेडकर से हम लोग निकाल लेंगे भीम. तो जो पांडव थे उसमें भीम जो थे उनको रंग रूप से इतना कोई मतलब नहीं था, बस उनको मतलब उनके अंदर बल बहुत था, वो बहुत बलशाली थे और अपने बल के लिए ही वो जाने जाते थे, तो उन्हें रंग रूप से कोई मतलब नहीं था. सो भीम को हमने किससे रिलेट कर दिया? रूप से रिलेट कर दिया. अब हम छोटा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रारूप कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? जब संविधान, जो भी संविधान के लिए अधिनियम बनाए गए थे उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया प्रारूप समिति. और जब पूरे तरीके से इस कमेटी ने जो संविधान का जो भी प्रारूप तैयार किया गया था उस पर विचार विमर्श कर लिया, तो उसके बाद इसने जो अपनी संविधान सभा को रिपोर्ट पेश करी थी वो 21 फरवरी 1948 को पेश करी थी अपनी रिपोर्ट, कि हाँ भाई हमें जो है वो जितने भी सारे प्रारूप तैयार किए गए हैं, अधिनियम तैयार किए, हमें ये सब लगता है. ओके, इसके बाद संविधान सभा का 11वां सत्र जब हुआ था उसके आखिरी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया. ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है 26 नवंबर 1949. लेकिन लागू कब किया गया अगर ये पूछा जाए तो वो आपकी डेट क्या हो जाएगी? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस बनाते हैं. अब देखिए संविधान सभा की जो ये प्रारूप समिति थी इसके कुछ सदस्य बनाए गए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो देखो भीमराव अंबेडकर जी तो हमारे इनके क्या हो गए थे? अध्यक्ष. इसके अलावा इसमें कौन कौन थे? एन जी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान. इसको याद करने की आप ट्रिक भी देख सकते हो. कई बार पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे. याद कैसे करेंगे? देखो भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए. भीम है कोई, वो उसने किन किन को लिया? गोपाल कृष्ण कन्हैया को लिया. वैसे तीनों ये कृष्ण जी के नाम है, माधव भी कृष्ण जी का नाम है, ठीक है, तो माधव से भी याद करो क्योंकि कन्हैया जी का ही नाम है माधव. और कहाँ गए? मोहम्मद साहब के खेत पर गए. तो भीम से भीमराव अम्बेडकर, गोपाल से देखो एन जी अयंगर, कृष्ण से यहाँ पे कृष्ण स्वामी अय्यर आ रहा है, ठीक है, और कन्हैया से कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, माधव से एन माधव राव,
मोहम्मद से आपका हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला और खेत से खेतान हो गया। तो आई होप सो ये आप सभी को याद हो गया होगा बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो बीएल मित्र थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था उसके बाद ही एन माधवराव का सदस्य बनाया गया था। और जब डीपी खेतान ये सदस्य तो बने थे बट कुछ टाइम बाद इनका देहांत हो गया था। इनके देहांत के बाद कौन बने थे सदस्य? टीटी क्रमचारी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डीपी खेतान के देहांत के बाद प्रारूप समिति के सदस्य कौन बनाए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो है संघ समिति और ये जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोनों को हम लोग साथ ही में याद करेंगे। देखो यहाँ पे भी संघ आ रहा है यहाँ पे भी संघीय आ रहा है। ठीक है, तो संघ से हम लोग रिलेट करेंगे संघ कि हर कोई ना आजकल जवानी के संग रहना चाहता है। जवानी के संग का मतलब है कि यंग रहना चाहता है, हर किसी को यंग रहना पसंद है, बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं होता है। सो हर भी आ रहा है देखो जवाहरलाल नेहरू में और जवानी से जवा। तो जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे बने थे। इसके बाद देखिए प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों को भी हम एक साथ याद करेंगे। देखिए अगर हमें राज करना है तो राज करने के लिए हमें कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। जब कोई राजमहल होता है तो राजा कुछ नियम बनाते हैं ना, उन नियम का संचालन भी होना चाहिए अच्छे से कि अगर हमने नियम बना तो लिए अब कोई उस पर काम ही नहीं कर रहा तो क्या फ़ायदा है, कैसे राज करोगे। तो नियम की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और नियम संचालित भी होने चाहिए तो तभी आप राज कर सकते हो अच्छे से। तो राज से राजेंद्र प्रसाद जी हो गया, नियम से प्रक्रिया नियम समिति और संचालन से संचालन समिति। इसके बाद है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए इसके अध्यक्ष। तो देखिए परामर्श और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से भाई आ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर से हम भाई रिलेट करेंगे। तो देखिए हमारे भाई तो हमें परामर्श देते ही हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। सो सिंपल सा याद हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद है झंडा समिति और इसके कौन है अध्यक्ष? जे बी कृपलानी को बनाया गया। सो देखिए हमारे झंडे की कृपा, भाई हमारा झंडा जो तिरंगा है उसकी कृपा हम पर हमेशा बनी रही, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। सो झंडे से हमने रिलेट किया किसको? कृपा से, तो कृपलानी हो जाएगा। राज्य समिति के बनाए गए अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। तो हर राज्य में क्या होना चाहिए, क्या देखिए हर राज्य में देखो दोनों को साथ में याद करते हैं नियम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो जवाहर में आ रहा है हर और राज्य, तो हर राज्य में नियम से ही क्या हो सकता है, राज हो सकता है। तो नियम के साथ रिलेट हुआ राज और हर के साथ रिलेट हुआ राज्य। ठीक है, तो याद हो जाएगा राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है वित्त एवं कर्मचारी समिति यानी फाइनेंस एवं एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। फाइनेंस को रिलेट करो, देखो फाइनेंस यानी वित्त को रिलेट करेंगे हम पैसे से, और जिसके पास पैसा है आजकल तो वही राज ही कर रहे हैं। आपने देखा है भैया जो अमीर लोग हैं समझ लो उन्हीं का ही राज है, गरीबों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बस तो फाइनेंस से बिल्कुल पैसे को रिलेट करिएगा। इसके बाद है सदन समिति हाउस कमेटी के कौन? बी पट्टाभी सीता रमैया। तो देखिए सदन मतलब होता है हमारा घर और घर में कौन रहती है? हमारी मैया। मैया मतलब कई बार आपने देखा होगा कई जगह माँ यानी मदर को मैया भी बोला जाता है। ओके, तो ये यहाँ से आप छोटी सी बात को रिलेट करोगे। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, आपको समिति का नाम दिया होगा और पूछा जाएगा कि इनके अध्यक्ष कौन थे, कौन बनाए गए थे, तो डायरेक्ट बनेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे। ओके, अगला है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन बने? के एम मुंशी। सो आपने देखा ना मुंशी पहले के ज़माने में जो बिजनेस वगैरह का वो करते थे उनको मुंशी बोला जाता था, ध्यान वगैरह रखते थे काम करते थे जो, तो उनको मुंशी कहा जाता था। तो इसलिए बिजनेस और कार्य को हम लोग रिलेट किससे करेंगे? मुंशी से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय समिति और इसके अध्यक्ष एच एस वारदाचारियार। तो देखिए अगर आपको सब जगह न्याय चाहिए, सबसे सर्वोच्च और न्याय से न्यायालय, अगर आपको सब जगह न्याय चाहिए तो वारदात की जगह पर, वारदात मतलब होता है जहाँ पर कोई घटना हुई हो उसको बोलते हैं वारदात। तो आपको वारदात की जगह पर
चार सबूत, एटलीस्ट चार सबूत तो आपके पास होने ही चाहिए न्याय के लिए। तो देखो, वारदा से वारदात, वारदा हो गया, चार से चारियार भी हो गया, सब जगह न्याय चाहिए, सबसे सर्वोच्च, और न्याय से क्या हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा। क्लियर। अगला है देखो, मूल अधिकार उपसमिति, और इसके बने हैं JB कृपलानी। तो याद कैसे करेंगे, देखो आजकल जो अधिकार मिलना जो है, अगर आपको मतलब आपके मूल अधिकार मिल गए तो समझ लो आप पे कृपा हो गई भगवान की, क्योंकि अधिकार होते तो हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग, MA बैक्टा चलैया। याद कैसे करेंगे, देखो समीक्षा मतलब होता है रिव्यू। आपने देखा होगा जब रिव्यू कोई लोग करने आते हैं, जब आपको आपका कोई काम है उसकी कोई समीक्षा करता है, तो लोग चाल बहुत चलते हैं कि इसके काम में ना गलती निकाल देते हैं तो फिर तो ये फंस जाएगा, तो ऐसे करके लोग चाल बहुत चलते हैं। तो चाल से यहाँ पे चलैया, ओके, चाल चलैया, तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे, एकदम से ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा के कार्यों की समिति, जो GB मावलंकर बनाए गए इसके अध्यक्ष। तो देखिए संविधान के कार्यों को कर, संविधान सभा में अब जब कार्य हो रहे हैं तो करना भी तो पड़ेगा ना, तो ऐसे कोई बोल रहा है कि संविधान सभा के कार्यों को कर, तो GB मावलंकर में आ रहा है कर, तो यहाँ से हमें याद करना है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज समिति, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाता है, जैसे आपका मान लीजिए नेशनल फ्लैग कब फैलाएंगे हम, जैसे आपका रिपब्लिक डे हो गया है ना, आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो आपने देखा होगा स्कूल में हमें प्रसाद मिलता था, एक लड्डू मिलते थे, तो हमारे टाइम पे स्कूल में तो लड्डू दिए जाते थे मोतीचूर के, जो बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो प्रसाद मिलता था नेशनल फ्लैग को फहराने के बाद, तो प्रसाद से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, भाषाई प्रांत आयोग, और इसके बनाएंगे SK डार। तो देखिए भाषा से अपने किसी को डराना नहीं चाहिए, भाषा से लाइक आप किसी को धमकी दे दो कि अरे मैं तो ऐसा कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ऐसा कर दिया तो अपनी भाषा से किसी को डराना नहीं चाहिए। सो भाषा से और डराने से डर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रारूप संविधान के कार्यों की जांच के लिए समिति। तो देखिए जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी समिति की जांच करने के लिए एक और समिति बनी थी, वो उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं था, बट इतना ही आप समझिए कि उसके कार्यों की जांच के लिए समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जब प्रारूप संविधान के कार्यों की जाँच चल रही थी तो सबका चेहरा ना हरा लाल हो गया। हरा लाल का मतलब एकदम रंग उड़ गया कि यार हमारी गलती तो नहीं निकल जाएगी, अरे यार हमारी वो तो नहीं पकड़ा जाएगा गलती। तो सबका चेहरा, हर किसी का चेहरा क्या हो गया, लाल हरा हो गया। सो लाल और हर से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आई होप सो ये ट्रिक आपको बहुत बेनिफिट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और इतनी ही थी संविधान सभा की जो मेन आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम कवर अप करेंगे आपके जो भी आपके इंडिया की जो पूरी हमारे भारत में कमेटीज़ बनाई गई थी, इम्पॉर्टेंट कमेटी, जैसे YV रेड्डी वाली कमेटी हो गई, इस तरीके से हम काफ़ी सारी कमेटीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और इसे आगे बढ़ाने में बहुत अपना सहयोग करें, मदद करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।